सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.3 इन स्टैंडर्ड 6। फर्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। सो in these questions we have to multiply of these things, then that means we have to solve all the sums, then answer, if answer is zero, so it is a represent the zero, and if answer is not zero, so that means it is not represent zero. In the questions asking which sum is not represent zero, so pehle hum solve karte hain. 1 plus 0 is equal to 1, and 0 multiplied by 0 means 0, 0 by 2, in simple, 0 में हम किसी को 0 multiply करते हैं, 0 आएगा, 0 में हम कोई भी number से divide करते हैं, 0 आएगा, और 10 minus 10 यानी 0 by 2 हो गया, 2 हो गया, तो again 0, so यहाँ पर सिर्फ answer किसका 0 नहीं आ रहा है, A का, so A, 1 plus 0 is not represent 0. The next question, if the product of two whole number is zero, can we say that one or both of them will be zero? Justify your answer through the examples. Question ये है कि कोई भी दो whole numbers, इनका अगर हम multiply करते हैं तो जो answer आएगा, means product जो आएगा वो zero ही होगा। कब होगा? जब इनमें से कोई एक, that one or both of them, कोई एक या दोनों जीरो हो, तो मतलब ये हुआ कोई भी दो नंबर्स ऐसे जिनमें से कोई एक नंबर जीरो या दोनों नंबर जीरो, तो उनका प्रोडक्ट, उनका आंसर जो है वो हमेशा जीरो होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, थ्री एग्जांपल्स लेते हैं। पहले जीरो और जीरो, यानी दोनों नंबर्स अगर जीरो, उनका मल्टी करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर दोनों नंबर जीरो नहीं होता है, यानी कोई एक भी जीरो नहीं होता है, तो आंसर क्या आ रहा है? जैसे 2/3 लिया तो 2 × 3 यानी 2 × 3 जा 6 हो गया। अगर हम कोई एक नंबर खाली जीरो लेते हैं, 2 × 0, सो क्या आ गया? जीरो आ गया। सो दैट मीन्स बाय द अबोव एग्जांपल्स वी कैन से इफ मल्टीप्लाइंग जीरो टू एनी नंबर द प्रोडक्ट वी ऑलवेज गेट जीरो, सो वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। ये आपका एग्जांपल्स, हमने जो क्वेश्चन किया था उसको हमने सोल्व करके बताया है कि हाँ इस तरह से ये हो सकता है। थर्ड नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन? जस्टिफाई थ्रू योर एग्जाम्पल्स। अगेन इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि कोई भी दो नंबर अगर हम मल्टी करते हैं और उनमें से कोई एक नंबर या दोनों नंबर वन होता है, तो उसका प्रोडक्ट यानी उसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? वन आएगा। तो देखते हैं, वन इज़ द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लेक्सन ऑफ होल नंबर्स। आइडेंटिटी मीन्स ये होता है कि किसी भी नंबर्स में अगर वन का मल्टी करोगे तो जिस नंबर में आप मल्टी कर रहे हो वही का वही नंबर आएगा। सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज नॉट ऑलवेज वन, ए नंबर रिमेन्स अनचेंज वेन वी मल्टीप्लाई बाय वन। एग्जाम्पल, अगर हम 5 में 1 का मल्टी करते हैं तो ये अनचेंज होता है, 5 × 5 होता है। बट अगर हम 1 × 1 यानी दोनों नंबर्स को अगर 1 से 1 मल्टी करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये है कि अगर हम दोनों नंबर्स अगर 1 का मल्टी करते हैं तो आंसर हो सकता है 1, बट अदरवाइज ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट 728 को मल्टी करना है 101 से, सो हम कैसे करेंगे? 101 को अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा होगा, पिछले वीडियोज़ में 101 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 101। सो 728 को पहले 100 से मल्टी किया, फिर ये प्लस की साइन यूज़ की, और फिर अगेन 721 को 1 से मल्टी किया। मीन्स 728 का पहले 100 से मल्टी और 721 का 81 से मल्टी, और उन दोनों का आंसर को हम प्लस कर देंगे, तो इस तरह से ही आपका आंसर मिल जाएगा। एज द सेम इन बी, वी डिस्ट्रीब्यूट 1001 इनटू पार्ट 1000 प्लस 1 एंड 5437 मल्टीप्लाई बाय बोथ लाइक 1000 एंड 1, देन आंसर विल बी 8। एट द सेम 825 को अगर हम 25 से मल्टी करना हो, सो 20 और प्लस 5 से मल्टी कर सकते हैं,
और 125 में 120 और 5 तीनों से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको आंसर को प्लस कर सकते हैं। 504 में आप 30 और 5 को ऐड कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर 504 को 5 और 4 से डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 500 प्लस 4, तो 500 को पहले 35 से मल्टी किया, फिर 4 को 35 से मल्टी किया और आपका आंसर जो आ रहा है उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट, स्टडी द पैटर्न। आपको ये पैटर्न पहले स्टडी करनी है। 1 × 8 + 1 = 9। तो ये तो ईजी है ना, 8 × 1 = 8 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 12 × 8 + 2 = 98। फिर 123 × 8 + 3 = 987। 1234 × 8 + 4 = 12344 × 5 + 5 आंसर। आपको ऑब्जर्व अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखो, पहले 8 में 1 का मल्टी हुआ और जितने का मल्टी हुआ उतना ही यहाँ पर प्लस हुआ। अब यहाँ पर 12 का मल्टी हुआ तो ये 12 पूरा मत देखो, खाली लास्ट में हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, 2। तो जितना 2 यहाँ पर, ये पहले 1 से मल्टी हो रहा था, अब यहाँ पर पीछे 2 और लगा दिया तो ये 2 का हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर 12 ऊपर वाला सेम रहा था, यहाँ पर अगर हम 3 से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एडिशन भी 3 कर दे रहे हैं। मींस पहले 1 से मल्टी करके 1 ऐड करने पे 9 आ रहा है, फिर अगर 1 के पीछे 2 बढ़ा रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं तो 9 में से 1 रिड्यूस करने पे कितना था, 8। यहाँ पर 1 ऐड करते हैं, यानी 1 2, उसके बाद नंबर लेते हैं 3 और 3 ऐड करते हैं, तो यहाँ 9 8 7, यानी यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एसेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4, एक्स्ट्रा हमने 4 लाया तो 4 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो अब आगे के आपको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, और आपको नेक्स्ट 2 स्टेप करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 था, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मल्टी 8 करके 6 प्लस करेंगे, जहाँ जो लास्ट यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स होगा वही नंबर ऐड करेंगे, और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6 5 4। अगर यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा लाते हैं और 7 ऐड करते हैं तो 3, ईजीली ये पैटर्न सॉल्व हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर चैप्टर नंबर 2 इज कम्प्लीटली कम्प्लीट। सो कम्प्लीट हो गया पूरा, एक्सरसाइज एक भी नहीं बाकी है, आपने इसकी एग्जाम भी दे दी है। अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बाय।